और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने कानपुर के कारोबारी को बड़ी खुशी दी है। इस महोत्सव के दौरान शहर में करीब 500 करोड़ का कारोबार हुआ। कपड़ा बाजार से लेकर मिठाई बाजार सभी जगह रौनक देखने को मिली। रामलला के आने की इस खुशी में व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। राम उत्सव को कानपुर के व्यापारी दिवाली से भी बड़ी खुशी मान रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। रामलला के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। अयोध्या में जिधर भी नजर दौड़ाएं, भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। सामान्य दिनों में जहां राम जन्मभूमि में दर्शन करने वालों की संख्या 60 से 65 हजार हुआ करती थी, वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसमें करीब 6 से 8 गुना बढ़ गई है। यानी प्राण प्रतिष्ठा के बाद करीब 4 से 5 लाख लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या में और भी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। इसका सीधा फायदा अयोध्या वासियों को मिलेगा। वहीं योगी सरकार ने भी अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए युद्ध स्तर पर प्लानिंग कर रही है। सरकार अयोध्या का शहरी दायरा बढ़ाने जा रही है। अयोध्या का दायरा अब 830 वर्ग किलोमीटर का होगा। पहले चरण में 133 वर्ग किलोमीटर मास्टर प्लान में शामिल है। बाकी दायरा दूसरे चरण में करने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उमड़ी लोगों की भीड़ देखकर सरकार ने रोजगार की प्लानिंग कर दी है। NCR के बाद अयोध्या रोजगार का सबसे बड़ा हब बनने जा रही है। आस्था के इस केंद्र से 8 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 8 सेक्टर्स को इसमें खास फायदा होने वाला है। अयोध्या शहर का दायरा इसलिए नए सिरे से तय किया गया है कि आने वाले समय में यहां आने वाले भक्तों की संख्या में भारी इजाफा होगा। राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वालों से अयोध्या के साथ ही गोंडा, बस्ती, बाराबंकी के क्षेत्रों को भी फायदा होगा। सरकार ने अनुमान लगाया है कि सीधे तौर पर 8 लाख और अन्य क्षेत्रों में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं से 8 सेक्टर्स में लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें आध्यात्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, नॉलेज और इनोवेशन, खुदरा बाजार, पर्यटन बाजार, मिक्स कमर्शियल एक्टिविटी, MSME और सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस के साथ ही खान पान का छोटा मोटा कारोबार करने वालों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सरकार की दूरदृष्टि कारगर साबित हो रही है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में एक्सप्रेसवे, भव्य रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत कई सुविधाएं पहले से ही शुरू कर दी गई हैं, जिसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।